माना जा रहा था, स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया था, एजाज ढेबर जो हैं वो महापौर पद पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का भी रास्ता खटखटाने की तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, लंबे वक्त से रायपुर अगर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस का ही कब्जा है। इससे पहले प्रमोद दुबे यहाँ पे मेयर हुआ करते थे, अब एजाज ढेबर क्योंकि इनके नाम पर सहमति बनी, दिल्ली से भी, दिल्ली दरबार से भी इनके नाम पर सहमति बनी, उसके बाद इनका नाम आगे बढ़ाया गया। स्वराज एक्सप्रेस ने सबसे पहले कहा था कि एजाज ढेबर का और साथ ही कांग्रेस का मेयर बनना तय है और उस खबर पर पुष्टि भी होती है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको, महापौर पद पर कांग्रेस का कब्जा, एजाज ढेबर बने हैं रायपुर नगर निगम के मेयर। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी की है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इससे पहले जब महापौर के चुनाव को लेकर जब बातचीत हो रही थी तब भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भी कहा था कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा लेकिन महापौर तो बीजेपी का होगा। उनके तमाम दावे यहां पर खारिज हो गए और कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी कि मेयर तो उनकी ही पार्टी का होगा और कांग्रेस ने आखिर अपना कब्जा बरकरार रखा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, एजाज ढेबर के महापौर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, पहले भी कह रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो महापौर पद पर कांग्रेस का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर, एजाज ढेबर बने हैं कांग्रेस से, कांग्रेस प्रत्याशी हैं और रायपुर नगर निगम में अब बतौर महापौर पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मतगणना पूरी हो चुकी है और एजाज ढेबर कांग्रेस प्रत्याशी जो अब महापौर बन गए हैं रायपुर नगर निगम के, ये कुछ दिन अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब मतदान किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तमाम पार्षदों ने जाके अपने अपने मत का अधिकार किया, अपना मत डाला, निर्दलीय पार्षदों का भी साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिला और लंबे वक्त से रायपुर नगर निगम की सीट कांग्रेस के ही पास थी और कब्जा बरकरार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, रिएक्शंस लेने की कोशिशें लगातार जारी हैं, तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं और किस तरह से चुनाव से ठीक पहले पॉलिटिकली पिकनिक पर तमाम, हेमंत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। हेमंत, स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लग गई है, एजाज ढेबर के नाम को स्वराज एक्सप्रेस ने पहले भी बताया था और उस पर अब पुष्टि भी हो गई। हेलो हेमंत, आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। हेमंत जानकारी दें पूरी। देखिए, रायपुर में कांग्रेस का महापौर बन गया है, एजाज ढेबर को 40 मत प्राप्त हुए हैं और महापौर बनने के लिए 36 वोट चाहिए थे, तो 7 निर्दलीय हैं, उन्होंने भी समर्थन यहां पर एजाज ढेबर का किया है और यहां पर तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, चाहे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की बात की जाए, चाहे दोनों विधायक सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय जो लगातार मॉनिटरिंग पार्षदों की कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही काउंटिंग चल रही थी और जैसे 36 वोट चाहिए थे महापौर बनने के लिए, जैसे ही 36 वोट यहाँ पर एजाज ढेबर को मिले वो खुद काउंटिंग सेंटर से खड़े होकर उन्होंने अभिवादन किया और यहाँ पर तमाम जो उनके नेता थे उनका भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अभी अब यहाँ पर प्रक्रिया वो महा जो
यहाँ पर सभापति का होना है चुनाव, उसके लिए भी शुरू होगी, लेकिन रायपुर के नए महापौर एजाज ढेबर बन गए। वाकई में रायपुर के नए महापौर तो बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी का कब्जा लगातार बरकरार है। और इसी बीच जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है, पूरे इस प्रक्रिया में भाग भी नहीं लिया, क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा? अब देखिए, बीजेपी परसों रात को भी जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग सोचे थे, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया था। उन्होंने कहा निर्वाचन नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा सकता महापौर पद को लेकर, और आज तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ पर अब ब्रजमोहन अग्रवाल की बात की जाए, जो बड़े नेता हैं भाजपा के, राजेश मूणत जो पूर्व मंत्री हैं, वो उसकी मांग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सामने धरने पर बैठे थे। उसके बाद ये तमाम जो निकल कर सामने आई, हालांकि एक तरीके से निर्दलीय चुनाव उन्होंने पिछले बार लड़ा था, पर कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको यहाँ पर महापौर पद का प्रत्याशी बनाया था भाजपा ने। हालांकि क्रॉस वोटिंग किसी की ओर से नहीं हुई है, जो 7 निर्दलियों का, पहले 6 निर्दलियों ने समर्थन दिया था, लेकिन आज लेकिन बीजेपी का दावा तो ये भी था कि जो 7 निर्दलीय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, वो बीजेपी को ही वोट कास्ट करेंगे, और साथ ही कुछ कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी उनके टच में है। जब स्वराज एक्सप्रेस की श्रीचंद सुंदरानी से बात हुई थी तो उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि मेयर तो रायपुर में हमारा बन रहा है। देखिए, रस्त दावे और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क रहता है। हालांकि बीजेपी कितने भी कोशिश कर रही होगी, और बीजेपी ने कोशिश भी की थी, 7 निर्दलीय जो भाजपा के पास के अलावा जो कांग्रेस को कुछ और उम्मीद पार्षद हैं वो यहाँ आ जाए, उसके बाद उनका महापौर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि डर ये भी था कांग्रेस को, एजाज ढेबर को जो महापौर पद का प्रत्याशी बनाया था, फिर चर्चा थी कि कई जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो वहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने शायद इसी वजह से तमाम पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के हैं और जो निर्दलीय पार्षद थे, इसीलिए उनको पॉलिटिकली पिकनिक पर भेज दिया गया था। हेमंत रखने की कवायद, एकजुट रखने की कवायद यहाँ पर थी, और इसी को लेकर वहाँ पर जो चीजें हैं दोनों ओर से की गई थी। अगर बीजेपी पार्षदों की बात की जाए तो उनको 5 दिन पहले, जब आज वोटिंग होनी थी उससे पहले ही 3-4 दिन पहले, और जहाँ पर गोंदिया है, गोंदिया पर एक फार्म हाउस है, वहाँ ठहराया गया था। इसके साथ ही परसों रात को सभी जो कांग्रेस पार्षद हैं उनको रवाना किया गया था धमतरी के गंगरेल डैम, वहाँ पर जमकर लुप्त पार्षदों ने उठाया था। और कांग्रेस की कोशिश थी, और कांग्रेस ने कहा भी था कि जो चुनावी थकान है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। इसके अलावा वहाँ पर ठीक है, चुनाव पिकनिक टूर पर भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर सभी पार्षदों को ये कह दिया गया था कि आप क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, आप जिसे भी कांग्रेस महापौर बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। हालांकि पहले ही जो तमाम कांग्रेस के 34 पार्षद है उन्होंने ये कह दिया था। कुल मिला के हेमंत ये कहा जाए कि 2018 से जिस स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस पार्टी चलती आ रही है वो सफल साबित हो रही है, जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, और उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में, अब जिस तरह से ये जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो दावे कांग्रेस की ओर से पहले ही करे गए थे कि नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा होगा, तो ये अब चीजें सही साबित हो रही है। और रायपुर की बात की जाए तो रायपुर काफी, इसका जो रायपुर का परिदृश्य है वो बदला सा नजर आ रहा था, जो बीजेपी है वो भी काफी पीछे नहीं थी, 29% उसके भी पीछे। आस पास आपके अगर नव निर्वाचित मेयर एजाज ढेबर हो, हम चाहेंगे कि जरा संपर्क कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे ही महापौर वो बने हैं, तमाम लोगों ने जो नेता है वो उनके साथ नीचे जा रहे हैं, हालांकि जो तमाम प्रक्रिया है उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे, प्रमाण पत्र उन्हें। और अभी जो बाहर, अगर पट्टी से की बात करूं, बाहर भी से की बात करूं, तो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है एजाज ढेबर के, वो अब नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। और ये चीजें पहली ही हुई थी, जब कांग्रेस के 34 पार्षद जीत के आए, तो ये
चलिए हम आपसे आप बने रहिए, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आजाद ढेबर ने को सर्वसम्मति से मेयर पद पर चुन लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षदों के साथ सात निर्दलीय जो पार्षद हैं उनका भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला और सर्वसम्मति से वोटिंग की गई। वोट कास्ट करने के बाद जब मतगणना हुई तो जैसे ही मतगणना हुई उसके बाद एजाज ढेबर हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। हेमंत, सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से शुरू से लेकर अब तक की पूरे पूरे घटनाक्रम पर नजर डालिए। तो रायपुर के मेयर बने हैं एजाज ढेबर, लंबे वक्त से इस मेयर सीट पर। आपको बता दें कि कांग्रेस का ही कब्जा है और कांग्रेस पार्टी लगातार दावा भी कर रही थी कि रायपुर नगर निगम में भी हमारा ही कैंडिडेट है जो मेयर बनेगा। हेमंत, हम चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से पूरे ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दें। हेमंत, हम देख रहे हैं मोहन मरकाम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हेमंत, तो ये अब तो कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा। हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, पूरा घटनाक्रम एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताएं दर्शकों को। हाँ, देखिए रायपुर के नए महापौर एजाज ढेबर बन गए हैं और पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी जीत आसानी से हो जाएगी। आज सुबह तमाम जो कांग्रेसी पार्षद हैं उनको एक होटल में रखा गया था। कल देर रात जब उनको धमतरी ले गया गया था तो कल देर रात वो वापस रायपुर लौटे थे, उसके बाद उन्हें होटल में ठहराया गया था। 10 बजे के आसपास सभी जो कांग्रेस पार्षद हैं उनको होटल से यहाँ नगर निगम लाया गया और यहाँ पर एकजुटता का संदेश कांग्रेस ने देने की कोशिश की। तमाम बड़े नेताओं ने सभी पार्षदों से बातचीत की और उस समय ये क्लियर नहीं था कि कांग्रेस के महापौर का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन सभी पार्षदों को एक बार फिर जिला कांग्रेस जो कमेटी है उसके दफ्तर बुलाया गया और महापौर कौन होगा ये सभी पार्षदों को बताया गया। एजाज ढेबर के नाम पर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। त्रिवेदी जी, आपने तो दावा कर दिया था कि भाई महापौर तो कांग्रेस का ही बन रहा है, बहुत बधाई, आपका दावा एकदम सही साबित हुआ, आपकी पार्टी के ही कैंडिडेट अब महापौर बन गए। हाँ, आज रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, चिरमिरी सभी स्थानों के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसके साथ साथ नगर पालिका नगर पंचायतों से भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमने जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल था 2014 में, हम लोगों ने 60% सीटें जीती थी। हमने इस बार कहा था कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे और परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल त्रिवेदी जी, क्योंकि दावा भी किया गया था वक्त है बदलाव का, वो बदलाव की बयार पूरे राज्य में देखने को मिल रही है, मतलब सूपड़ा साफ करते नजर आ रहे हैं आप लोग बीजेपी का। विधानसभा चुनाव में भी जो शहरी इलाकों की सीटें थी, रायपुर की सीटें, बिलासपुर की सीट, कोरबा, रायगढ़, जो परंपरागत रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी जीता करती थी, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिली थी और कांग्रेस ने शहरी इलाकों में अपना जनाधार बरकरार रखा है, बल्कि पहले से बेहतर किया है। बिल्कुल बेहतर तो कर रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस आप लोगों का लगातार दिख रहा है। अच्छा, इस पूरे जिस तरह से अगर हम पर्टिकुलर रायपुर नगर निगम की बात करते हैं, रायपुर नगर निगम में जिस तरह से वोट कास्ट किए जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया, इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, तो इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? फिर देखिए, जो जनादेश आया है, जो निर्वाचित पार्षदों ने जो चयन किया है उसको शिरोधार्य करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी की बात भारतीय जनता पार्टी करके अपना ही ग्राफ डाउन कर रही है। प्रदेश की जनता अब इस बात को कहने लगी है कि भाजपा को जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है और भाजपा लगातार षड्यंत्र, साजिश, तिकड़म करके कैसे भी करके जनादेश को नकारना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है।
लोकतंत्र की हत्या तो अंतागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जहां उन्होंने सारे प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लिए थे। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, सब चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बाद यदि भाजपा को पराजय मिल रही है, भाजपा के प्रत्याशियों को लोग खारिज कर रहे हैं, तो भाजपा को यह समझना चाहिए कि यह तो लोकतंत्र की जीत है, यही तो जनता की जीत है कि वो जिसे चाहती है उसे चुनती है। और साथ ही यहाँ पे बीजेपी का ये भी आरोप है त्रिवेदी जी कि भाई चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बदले की राजनीति की जा रही है, और वही बदले की राजनीति अगर नगर निगम ज्यादातर नगर निगम पे अगर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा तो वही बदले की राजनीति की जाएगी, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के और जो निर्दलीय जो पार्षद हैं उनको मतलब प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको जो राशि अलॉट होती है वो नहीं की जाएगी, तो क्या मतलब एक हम साफ सुथरी राजनीति देखेंगे? देखिए नगर निगमों का काम होता है साफ सफाई करना, क्षेत्र में बराबर सब सुविधाएं बराबर हो, चौक चौराहे सब सही ढंग से चले। अब इसमें कहां से बदले की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और मानसिक संतुलन खोकर इस प्रकार के निराधार आरोप लगा रही है। प्राथमिकताएं बता दीजिए बहुत संक्षिप्त। कांग्रेस की प्राथमिकता शहरी इलाकों का विकास, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बात बहुत पहले कही है कि हमारे लिए विकास का अर्थ गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य, कमीशन खोरी के कारण घटिया निर्माण कार्य नहीं, हमारे लिए विकास का अर्थ व्यक्ति का विकास है। जो शहरों में रहने वाले आम लोग हैं और खासकर गरीब तबके के लोग हैं वो कांग्रेस की प्राथमिकता में होंगे, शहरों का विकास कांग्रेस की प्राथमिकता में होगा, शहरों में नागरिक सुविधाएं दिलाने में कांग्रेस का ध्यान होगा, और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी की अगुवाई में जो बहुत अच्छा घोषणा पत्र बना था उस घोषणा पत्र को कांग्रेस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी में मेरा एक और सवाल आपसे यह है कि पूर्व मेयर प्रमोद दुबे जो लंबे वक्त तक रायपुर की कमान संभाले रहे हैं, कामकाज भी उनका काफी काबिले तारीफ रहा है, क्या बतौर सभापति के लिए उनको मौका मिलेगा? अब यह निर्णय कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं वहां हैं, कांग्रेस के विधायक गण हैं, सब लोग मिल के लेंगे, ये घोषणा करने की स्थिति में मैं नहीं हूं, मैं अपने सीमाओं का अतिक्रमण करूंगा। ये समझते हैं, हम समझ रहे हैं कि आपकी भी कुछ सीमाएं हैं जिन से आप बाध्य हैं, और उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत ही आप अपने स्टेटमेंट और हमसे बातचीत करते हैं। एक बार पुनः बधाई आपके लिए, ज्यादातर सीटों पर आप लोगों ने कब्जा किया है, और हम बेहतर उम्मीद जो की कर रही है जनता उस बेहतरी की ओर आप लोग कदम बढ़ाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ सहयोगी हेमंत जुड़े हुए थे। हेमंत, बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए मेरे साथ एक अभी कांग्रेस के नेता हैं पंकज शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ी जीत हुई आप लोगों की, अंतिम में नाम की मुहर आप लोगों ने लगाई, एजाज ढेबर का नाम तय किया और वो 41 वोट उन्होंने प्राप्त किया है, 7 निर्दलियों का समर्थन से वो अब महापौर बने। देखिए मैं इस जीत को हमारी कांग्रेस की लीडरशिप की जीत मानता हूँ, पार्षदों की एकजुटता की जीत मानता हूँ, और कांग्रेस के नेताओं की सफल रणनीति थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, हमारे पर्यवेक्षक बैजनाथ चंद्राकर जी, सत्यनारायण शर्मा जी, विकास उपाध्याय जी, इन सारे लीडर्स ने जो कांग्रेस के पार्षदों को एकजुट करके रखा, और फिर सारे पार्षदों का यह कहना था कि जो भी हाईकमान का निर्णय होगा सर्वसम्मति से हाईकमान के निर्णय के इच्छा के अनुसार आदरणीय भाई एजाज देवर जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया, और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के हमारे 34 होते हुए भी 6 निर्दलियों का समर्थन हमको प्राप्त था, 1 वोट हमको क्रॉस वोटिंग में भी मिला है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज रायपुर ने अपना महापौर चुन लिया है, और वो एजाज देवर जी की भारी जीत हुई है।